दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, पर मोहन अभी भी बही खातों में सर खपा रहा है और रोहन अपनी बीवी के हाथ की गरम खीर खा रहा है। कैसे? खाता बुक, डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता, मुफ्त, सुरक्षित और आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। छपाक दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म है। कुछ दिनों पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर रिलीज के इवेंट में दीपिका ने बताया कि छपाक उनके लिए बहुत ही खास फिल्म है। जब डायरेक्टर मेघना गुलजार उनके पास कहानी लेकर आई थी तो उन्होंने कुछ ही मिनट्स में फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। और दीपिका ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उसमें ये बताया कि उनकी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल फिल्म है ये। ऐसा क्यों है? वो कहती हैं कि छपाक जैसी फिल्म के लिए शारीरिक तौर पर तैयार होना आसान होता है, लेकिन मानसिक तौर पर तैयार होना काफ़ी मुश्किल होता है। इस फिल्म के वक्त मैं और ज़्यादा गहराई से डिप्रेशन में चली गई थी। फिल्म के सेट पर मेरे साथ हर वक्त मेरा काउंसलर रहता था। पता नहीं ये कहाँ से आया और मैं इस प्रॉब्लम के लिए तैयार नहीं थी। पहले मुझे लगा कि मैं थकी हुई हूँ या फिर घंटों तक काम करने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा महसूस होने लगा। इस फोबिया में लोग छोटे रास्तों और छोटी जगहों पर जाने से कतराते हैं। इमोशनली ये बहुत ही मुश्किल था। शुरुआत में मैं सिर्फ टेक्निकली इस फिल्म से जुड़ी थी, कोई इमोशनल जुड़ाव नहीं था। जैसे ही फिल्म को लेकर सब कुछ तय हुआ, हमने तुरंत ही प्रोस्थेटिक मेकअप की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि शूटिंग शुरू होने से पहले मैं शादी के लिए छुट्टी पर जा रही थी। इसलिए मेरी छुट्टी पर जाने से पहले कुछ लुक टेस्ट करने थे। तब मैं कोई इमोशन महसूस नहीं कर रही थी, मतलब ऐसा था कि मेरा प्रोस्थेटिक चल रहा है और मैं फ़ोन चला रही हूँ, आँखें बंद करके लेटी हुई हूँ। लेकिन फाइनल टेस्ट वाले दिन ये सब सच साबित हुआ। मैंने उस दिन मेघना से कहा कि मुझे लग रहा है कि ये मैं ही हूँ। उन्होंने कहा फिल्म यही है। उसके बाद ये लुक हमेशा के लिए मेरे साथ रहा। शादी के वक्त भी मेरे दिमाग में वो लुक था। मैंने खुद उस लुक को दिमाग में बनाए रखने का फैसला किया। मैं उसके साथ जीना चाहती थी। दीपिका ने फिल्म के उस सीन के बारे में भी बात की जिसे देखते हुए बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, जिसमें उनका किरदार एसिड अटैक के बाद पहली बार शीशे में अपना चेहरा देखता है और बहुत ज़ोर से चीखता है। दीपिका ने कहा कि वो सीन बहुत मुश्किल था। सुबह उस सीन से पहले मैंने भी अपना चेहरा नहीं देखा था। ये सीन खुद को उस हालत में देख कर आए रिएक्शन को बताने वाला था, जो दो टेक में हो गया था, जिसमें से एक शॉट सिर्फ टेक्निकल वजह से लिया गया था। मेघना और मेरे बीच उस सीन को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ मेरे पास आकर कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई। दीपिका छपाक के ट्रेलर रिलीज वाले दिन भी बहुत रोई थी और इस फिल्म में खुद को चुने जाने के लिए वो मेघना को थैंक यू बोलती हैं। उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके लिए काफ़ी स्पेशल है, जैसे कि हमने आपको बताया। और ख़ुद को संभालते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ऐसा बहुत कम होता है कि कुछ मिनट में ही आप किसी स्टोरी को हाँ कर देते हैं, वरना पूरी कहानी कहने के बाद लोग ऐसा फैसला लेते हैं कि उन्हें ये फिल्म करनी है या नहीं। छपाक मेरे लिए वैसी ही फिल्म है जिसे सुनते ही मैंने कुछ ही मिनटों में हाँ कर दी थी। दीपिका 2014 में डिप्रेशन में चली गई थी, तब उन्होंने कहा था कि ये ज़िंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें पता चला कि फिज़िकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने कई इवेंट में, इंटरव्यूज़ में इसके बारे में बात की। छपाक में दीपिका के किरदार का नाम मालती है। ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हो रही है। अगर आपने इसका ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। सिनेमा जगत की और वीडियोज़ के लिए आप लल्लनटॉप को फॉलो करते रहिए। ये वीडियो यहीं तक, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।